युद्ध करते करते तुमने अपने धनुष और बाण रोक लिए, क्यों? और क्या करूं? युद्ध करो। इस तरह से युद्ध होगा? और कैसे करोगे? नहीं होगा। फिर कैसे करोगे? महाभारत के युद्ध को चलते चलते 16 दिन गुजर चुके हैं जी। आज 17वां दिन है। बिल्कुल। एक से एक योद्धा महायोद्धा इस रण क्षेत्र के अंदर वीर गति को प्राप्त हुआ है। कुछ जीवित है, हाँ, कुछ मारे गए। अच्छा। कुछों ने मैदान भी छोड़ दिया। बिल्कुल। लेकिन आज तक आपने इतने खुले शब्दों में किसी भी योद्धा की प्रशंसा नहीं की जितनी आज 17वें दिन के युद्ध में। अच्छा। मेरे सामने खड़े हुए मेरे दुश्मन इस कर्ण की है। अर्जुन, 17 दिन के युद्ध में आज तक कोई योद्धा इतना बड़ा काम नहीं कर पाया जो भी एक बाण को चला करके कर्ण ने कर दिखाया। महाराज, हाँ, ऐसा क्या कार्य किया है इस कुरुक्षेत्र के मैदान में इस कर्ण ने जो बार बार इसके प्रशंसा के शब्द आपके मुखारविंद से निकल रहे हैं? अर्जुन, अगर तुझे इस बात का भेद मैंने बता दिया तो तुम खुद अपने आप में शर्मिंदा हो जाओगे, और जानना चाहते हो तो प्रश्न करो, तुम्हारे सवालों का जवाब देकर के मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। पर आदि सेना जो उठ ली है उनसे भी मेरा अनुरोध निवेदन, इस रागनी को जरूर सुने। श्री कृष्ण जी का संवाद इस रागनी के अंदर है। श्री कृष्ण जी जन्मोत्सव मना रहे हैं, जन्माष्टमी है, कुछ व्रत भी खोलेंगे जाकर के और सुनेंगे इस रागनी के द्वारा कैसे बला। और क्या करूं? युद्ध कर। इस तरह से युद्ध होगा? मरूंगा, बतला दो ये भेद, खेद है। क्या खेद है? ये अर्जुन को बट जाने से सात कदम रथ फेंका था जब करण बचा, कट जाने से करण को शाबाशी क्यों रथ, तीन कदम हट जाने से करण को शाबाशी क्यों रथ, तीन कदम हट जाने से। जब यो ढंग है फिर आगे क्या हालात, अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले, राज की है बात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश सुन ले, राज की है बात अर्जुन। हो कदे मुख से दूं मैं का Thank you.
शाबाशी की धवनी क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं। ले थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन, चटा क्या करे तीन कदम सुन, तीन कदम तीन लो हम पीछे न हटा क्या करे, तीन कदम तीन लो हम पीछे न हटा क्या करण, हो बाण मारे भर के जोश रे, हाँ जोश रे बाण मारे भर के जो होश नहीं, धरण तलक कस खारी मरूंगा पसला दो ये भेद। क्या हेलो सेवा समिति, बाबा लटूरिया महाराज विकास सेवा समिति जिसके प्रधान हमारे परम आदरणीय हैं, जी हां रामदत्त शर्मा जी, जिन्होंने कई सौ रुपए सम्मान के रूप में पहले भी, कई हजार रुपए सम्मान के रूप में पहले भी हमें दिए और 500 रुपए इस रागनी पर भी खुश होकर के दे रहे, एक बार जोरदार ताली आदरणीय रामदत्त जी के सम्मान में हो जानी चाहिए, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। कैसे बना महाराज? हाँ अर्जुन, इतना बड़ा कोई भी कार्य करने नहीं किया जितनी शाबाशी आप उसे दे रहे हैं। अच्छा हाँ, तो तैने बड़ा काम किया है और मैंने बड़ा काम किया है, मैंने कर्ण के रथ को 30-30 कदम पीछे हटाया था, लेकिन तेरे द्वारा कर्ण का रथ चाहे बेशक से 20 कदम या 30 कदम भी पीछे हटा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कर्ण ने तेरे रथ को 3 कदम पीछे हटाया तो ये बहुत बड़ा काम किया है महाराज। हाँ। बहुत बड़ा काम नहीं किया, आप मेरे मनोबल को तोड़ रहे, ये तो एक कर्ण है इस कुरुक्षेत्र के अंदर, ऐसे 100 कर्ण भी होते तो उन 100 कर्णों को भी इस रणभूमि में परास्त करने की क्षमता है इस अर्जुन के अंदर, 100 कर्णों को। हाँ। एक कर्ण के प्राणों से तुझे भौड़ आ रही है, तू 100 कर्णों से लड़ने की बात कर रहा है, एक कर्ण के एक बाण का मुकाबला ढंग से नहीं हो पा रहा तुझ पे, 100 कर्णों से लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजा दो अर्जुन के लिए, 100 कर्णों के लिए ऐलान कर रहा कि अगर ऐसे 100 कर्ण भी आ जाए तो उनको भी युद्ध भूमि में मार सकता है, लेकिन तेरे इस बात का भी जवाब तुझे मिलेगा, कैसे मिलेगा? कर्णों से भी नहीं डरूं, तीन लोक पाछे हटके बात कहा हृदय में धरूं, दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं, दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। अरे हनुमान रथ की मुर्जी पे, हनुमान रथ की मुर्जी पे बल उसका बिझाड़ दिया शेषनाग, शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, तीन लोग मेरे मुंह के अंदर तेरे मुंह गिरसन ने फाड़ दिया, तीन लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह गिरसन ने फाड़ दिया,
दानवों से लड़ने की बात अर्जुन ने कही तो श्री कृष्ण जी महाराज बताते हैं, अर्जुन हनुमान रथ की बुर्जी पर बल उसका भी झाड़ दिया, शेष नाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, तीन लोक मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। बताते हैं अर्जुन तू 100 कर्णों से लड़ने की बात कर रहा था तो देख हनुमान जी रथ की बुर्जी के ऊपर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं, शेष नाग युद्ध भूमि के अंदर जमीन में तेरे रथ के पहियों को जकड़े हुए हैं और मुख खोल करके दिखा दिया कृष्ण जी ने, देख तीनों लोग पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया है, मेरी माया से यह संसार रचा है। जब हनुमान जी शेष नाग और ये त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है और फिर भी कर्ण के बाणों ने तेरे रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया, तो सोच अगर हनुमान जी ने शेष नाग ने और कृष्ण जी ने तेरे रथ का साथ छोड़ दिया और उधर से कर्ण बली ने अपने बाण चला दिए तो तेरी क्या दशा होगी। आई समझ में अर्जुन? महाराज हाँ, वाकई कर्ण इस रण क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा तीरंदाज है। अच्छा, आपने इस बात को विस्तार से बता करके मेरी आंखों पर जो अहंकार की पट्टी थी वो खोल दी है। वाकई कर्ण बहुत बड़ा योद्धा धनुधारी है, लेकिन एक निवेदन मेरा आपसे भी है महाराज। क्या? इस कर्ण से मेरे प्राणों की रक्षा तो हो और साथ साथ मुझे इस रणभूमि में जीत का मार्ग भी मिले। अभी तो 100 कर्णों को मारने के लिए कह रहा था थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी ये कह रहा है कि मुझे मेरे प्राणों को भी बचाओ और मुझे जीत का भी मार्ग दिखाइए, मेरी जीत होनी चाहिए। अर्जुन 100 कर्णों को मारने की बात कर रहे थे तो फिर तुमने 100 कर्ण क्यों ना मार दिए? अज्ञानता में तो 1000 को भी मार देता महाराज। अच्छा, अज्ञानी बन के जीत ले युद्ध को, ज्ञान भी जरूरी। अच्छा, हो गया है ज्ञान और जीत चाहते हो तो श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को भी जीत का मार्ग बताया, हमारे और आपके लिए भी बताया। जीत तो होती है इंसान की, लेकिन जीत कब होती है, जीत कैसे होती है, वो इस चौथी कली में सुनेंगे। और लाइन अच्छी लगे, राग भी अच्छी लगे तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। प्रभु जानते हो हाल जाल, माया का रचा दो प्रभु, भूलू ना भूलू ना भूलू ना ऐसा न जान मेरी करण से बचा दो प्रभु, भूलू ना ऐसा न जान मेरी करण से बचा दो प्रभु। बात क्या शर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी, लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी। हो दे चित चिंता में मेरे, हाँ मेरे दे चित चिंता में मेरे करे अडे श्री कैसण मुरारी, मरूंगा पतला दो ये भेद भेद है यार अर्जुन को भारी, मरूंगा पतला दो ये सोनोटेक कैसेट।